नागपुर शहर में अवैध सावकारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल की अपील के बाद अब शहर की जनता सामने आ रही है। अवैध सावकारी का एक नया मामला अंबाजरी पुलिस थाना क्षेत्र में सामने आया है। अंबाजरी थाना क्षेत्र में अवैध सावकारी का मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र में रहने वाली फिरियादी प्रीति वाघमारे ने अवैध सावकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्रीति बुटीक चलाती है। उसने 21 अप्रैल 2024 को आरोपी रोशनी शर्मा, मुख्य आरोपी इरफान अब्दुल खालिद और दानिश हाजिम आजुद्दीन शेख से निजी काम के लिए 50,000 रूपए 20% हफ्ते से लिए थे। प्रीति ने ब्याज के साथ पूरा पैसे लुटा दिए, मगर इसके बाद भी आरोपी बकाया होने का कहकर उसे धमकी देने लगे। आरोपी रोशनी शर्मा रामनगर के श्रीराम सभागृह में अपने पति के साथ केयर टेकर के रूप में रहती है और आरोपी इरफान अब्दुल खालिद और रोशनी शर्मा यहां से ही अपने सावकारी का धंधा चलाते थे। आरोपियों की जान में शहर की 30 से भी ज्यादा महिला फंस चुकी है। मेरा नाम प्रीति सामंत वाघमारे, प्लॉट नंबर 150 से रामनगर का रहना है मेरा। मैंने रोशनी शर्मा और ये इरफान इनसे 50,000 20% हफ्ता ब्याज से पैसा लिया था। धमकियां मिली है ना मुझे, ब्याज नहीं दे पा रहे हैं तो उस पे पेनाल्टी भी लगी और ब्याज के ऊपर ब्याज भी बढ़ेगा। ऐसे करके उन्होंने अमाउंट भी बढ़ा दी, लेकिन मैंने ब्याज देना बंद कर दिया था उनको टोटली। मैंने ये बताया था कि मेरा बैंक लोन हो जाएगा तो मैं खुद ही आपको पेमेंट कर दूंगी, लेकिन उस दिन ये लिटरली मेरे यहाँ रोशनी शर्मा आई घर पर तमाशे करके कि कायदा कानून की बातें करके गई है। ऊपर से ये आदमी 13 तारीख को मेरे यहाँ एक बंदे को लेकर आता है, बोलने के बावजूद मुझे 15 को पैसा लगेगा ही लगेगा। चाकू वाकू की धमकी उखाड़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा, ये धमका की बहुत सी चीजें धमकाई है उन्होंने। उस तरीके से पैसे निकालना चाहते थे मेरे से, इसलिए मैंने तत्काल फिर अंबाजरी पुलिस स्टेशन में विनायक गोले सर, पीआई सर जो है उनसे मदद के लिए कांटेक्ट किया। पुलिस ने सहकार्य मिला है? हाँ जी पूरी तरह मिला है और तत्काल मिला है मुझे। और बाकी सब लेडीज लोगों को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो जो इन सब प्रॉब्लम में फंसे हुए है तुरंत यहाँ आके पुलिस स्टेशन में आके मदद के लिए मांग कर सकते हैं। नागपुर के पुलिस आयुक्त माननीय रविंद्र सिंघल सर, इनके आदेश के मुताबिक नागपुर शहर में जो अवैध सावकारी करने वाले लोग हैं इनके खिलाफ एक जंग छेड़ ली है, जिसमें से जो भी अवैध सावकारी करके लोगों को डरा धमका कर उनमें से पैसा वसूली करने का जो काम हो रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे कंप्लेन अभी पुलिस के सामने आ रहे हैं और मामले रजिस्टर हो रहे हैं। इसी माननीय पुलिस आयुक्त सर के आदेश के मुताबिक कल पुलिस स्टेशन अंबाजरी एरिया में रहने वाले रामनगर परिसर में रहने वाली एक महिला हमको कंप्लेंट दिया है। उन्होंने बताया कि श्रीराम सभागृह जो राम मंदिर के पास है उनमें रहने वाला एक महिला और उसके दो साथीदार ये पिछले 1-1.5 साल से बहुत सारे लोगों के महिलाओं से सावकारी जताकर हर हफ्ता 20% ऐसा ब्याज लगाकर लोगों को जबरन पैसा वसूल करने का काम कर रही है। और इस महिला को पैसे की ज़रूरत रहने के बाद फरवरी महीने में उसने 50,000 रुपया उनसे लिए थे और उसने बताया था कि तभी 20,000 रुपया दर हफ्ता उसको इतना इंटरेस्ट लगेगा। वो उसके मुताबिक उसने वो पैसे लिए और उसने सिक्योरिटी के तौर पर 2 चेक जिसमें से एक 50,000 रुपया मुद्दल और 40,000 रुपया इंटरेस्ट ऐसा उसने दिए थे और उसने पेपर के ऊपर वो लिख के लिया था, उसकी सिग्नेचर ली थी। ये पूरे 50,000 रुपया वापस देने के बाद में भी इसमें के जो आरोपी है, दो आरोपी है जेंट्स उसके साथीदार, इन्होंने उनके घर में जाकर उनको चाकू दिखाकर डरा धमका कर ये पैसा अगर पूरा पैसा नहीं दिया तो तुमको जान से मार देंगे और अगर कोई पुलिस को और किसी को भी तुमने बताया तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसी धमकी दिया। उन्होंने पुलिस स्टेशन में आकर हमको ये चीज़ बताया, हमने तुरंत पुलिस स्टेशन अंबाजरी में अपराध नंबर 532/2024 3082, 308(3), 308(4), 305 भारतीय न्याय संहिता और सावकारी अधिनियम 39 और 44 के अंतर्गत हमने मामला रजिस्टर किया और तुरंत हमने वो आरोपी जिस जगह पे बैठे थे उस जगह पे टीम के साथ में जाकर हमने इसमें दो आरोपी उनको हमने गिरफ्तार किया है। आरोपी के नाम हैं इरफान अब्दुल खालिद, उम्र 29 साल, रहना है उनका दुगाव पिपरी चांदूर बाजार अमरावती, और दूसरा आरोपी है दानिश हाजिम शेख आजमुद्दीन, उम्र 27 साल, रहना राय आशियाना बिल्डिंग विंग नंबर 2 मोतीबाग पुलिस स्टेशन पाचपौली। ये दो आरोपी को हमने अभी अरेस्ट किया है और माननीय न्यायालय के सामने पेश कर रहा है और इसमें के जो मेन सूत्रधार है जो मुख्य आरोपी है रोशनी शर्मा, इसको हमारी टीम जल्दी अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।